हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। पहला तो आज मैं जा रही हूँ पिथौरागढ़, और आज हम जल्दी सुबह सुबह निकल गए थे क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आई थी ना, और मुझे हो गए हैं पूरे 4-5 दिन लोहाघाटी। कुछ काम आ गया था और फिर मम्मी लोगों ने बोला कि रुक जाओ, दोनों जिन आए हो तो रुक गए थे। और अभी कितना हो रहा होगा, 9:30-10 हो रहा होगा, और अभी हम ना आधे रास्ते में पहुँच गए हैं यहाँ चूरानी में, और यहाँ पर कर रहे हैं हम ब्रेकफास्ट। घर से खा के आए थे लेकिन ज़्यादा नहीं खाया था, पूड़ी बनाई थी तो खाया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। और सुबह तो ना मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था, बादल लगे थे, अभी धूप आ गई है तो अब आराम आराम से जाते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। मेरा दांत टूट गया ना, मतलब घिसवा रखा है, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। तो सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग भी नहीं करूँगी, पर व्लॉगिंग तो करनी ही पड़ेगी ऐसे ही दांत में, और शायद दांत भी अब लोहा काट दे रखा है तो मैं जाने के दिन ही, वो कैप बनवा रखी है तो शायद जाने के दिन ही लगवाऊंगी, इसलिए तब तक मैं ऐसे ही दिखूंगी थुत्ती। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं घाट से ऊपर, और ये बैग मैंने इसलिए टांग रखा है क्योंकि ना बड़ा वाला ट्रॉली बैग भी लेके जा रही हूँ मैं, मेरे बहुत सारे कपड़े यहीं थे तो साड़ी वगैरह नवरात्रों के लिए मैं पूरा ट्रॉली बैग ही उठा लाई। और हमने सोचा था कि हम लोहा घाट से भिजवा देंगे गाड़ी में, लेकिन कोई गाड़ी जाने वाली नहीं मिली तो स्कूटी में आगे साइड रखना पड़ा जहाँ पैर रखते हैं, तो उस असज्जी के कारण मुझे ये बैग इतने लंबे सफ़र में पीछे टांगना पड़ रहा है। बाकी अब हम पहुँचने ही वाले हैं, आधे से 1 घंटा लगेगा, और आज धूप बहुत अच्छी है तो शायद हो सकता है घर जाके भी वही कपड़े सुखाने वाला काम चले, और ये वही वाली जगह है जहाँ से मैंने उसे लाने के लिए ब्लॉग। तो फिर चलते हैं पहले सीधे घर, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो बज चुके हैं 4 और हम ना यहाँ पे 1:30-2 बजे पहुँच गए थे, तो मैंने जो कहा था वही हुआ क्योंकि बहुत अच्छी धूप थी, आसमान क्लियर था, तो वही हुआ। मैंने फिर से कपड़े सुखाए, ये शेरवानी और ये मेरे लहंगे, अभी एक ही सुखाया है, बाकी आधे कपड़े तो मम्मी ने सुखा दिए, अब थोड़े से बचे हैं। और उसके बाद इतनी धूल हुई थी ना, देख ही रहे थे आप कितनी ज़्यादा धूल हो रही थी ना रास्ते में, तो पूरे बालों में बिल्कुल धूल ही धूल चिपक गई थी। तो आके नहाया, सर भी धुला, बाल धुल के नहाया, उसके बाद कपड़े धोए, खाना खाया, और अभी सारे कपड़े डाल के थोड़ा सा फ्री हुई मैं। तो आजकल मेरा यही काम हो रहा है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ वाले व्लॉग में क्या कहते हैं कपड़े ही सुखा रही हूँ, पर क्या करूँ, ऐसे ही होता है यहाँ वहाँ दोनों जगह, क्योंकि हमारा जो बेड है ना उसका गंदा इतना भारी है कि वो बेड मम्मी से उठता ही नहीं, और इधर उधर के कपड़े तो सुखा लेती हैं लेकिन बेड वाला नहीं उठता है, तो वो इंतज़ार करना पड़ता है कि जब मैं आऊँगी तो उनकी थोड़ी मदद करूँगी और फिर दोनों मिल के डालेंगे, तो तभी होता है जब मैं आती हूँ, उससे पहले हो ही नहीं पाता है। और ये यहाँ पे सूख रहा है मेरे संगीत का लहंगा, मैं हर बार आती हूँ और हर बार एक दिन तो ये लहंगे सुखाने के लिए ही चाहिए, कल लोहाघाट वाले सुखाए थे और अब मेरी शादी का लहंगा तो कितना भारी है, पूरे 10-15 किलो का है, उसको तो बहुत हैवी होता है, उसको सुखाएंगे हम कल। ये है मेरे संगीत का लहंगा, जिसमें से कि स्मेल आ रही थी लेकिन काफ़ी उड़ चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी बची है, तो अब धीरे धीरे शादी वाले कपड़ों का नंबर लग चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, पहला एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ माता रानी की कृपा आप सभी के और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो सुबह की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि आप सारे यहाँ पे जो मंदिर के बर्तन हैं धोए जा रहे हैं, माता रानी की मूर्ति कलश यहाँ पे सब कुछ की धुलाई हो गई है, उसके बाद मैं करूँगी मंदिर में जो माला वाला है उनकी धुलाई, और मम्मी कर रही है मंदिर की सफाई क्योंकि आज पहली नवरात्रि है, तो माता रानी को नहला धुला के बढ़िया से पूजा कर रहे हैं। और कल हम जाएंगे अपने गाँव, आज वहाँ पे ना सब लोग देवता नहलाने ले जाते हैं, तो आज हम गांव नहीं जाएंगे, कल जाएंगे गांव, आज यहीं पे पूजा करते हैं, और आज बहुत सारे काम हैं तो मैं देते रहूँगी आपको अपडेट टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अभी फ़िलहाल मम्मी ने मंदिर साफ कर लिया, वो इंतज़ार कर रही है इनका, ये माता रानी की मूर्ति है हमारे जो कि मैंने चमका दी है, तो इनको मंदिर में रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी है पूजा, और ये कलश से ना पूरे घर में गंगा जल भी छिड़क दिया है, और मम्मी ने तो कितना प्यारा मंदिर बना दिया है, ये पूजा करके ना मंदिर की मतलब कितना अच्छा लगता है ना, एक सिर्फ एक दिया जलाने से बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर, है ना, देख ही रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, और अगरबत्ती की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल नवरात्रि वाली फीलिंग।
बाकी मेरे दांत ने बिगा रखी है एक। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है, मम्मी और मेरा फास्ट है, और पूरे नवरात्रि तो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरे को जाना भी है, और एक ही आज रखूँगी, पंचमी वाला रखूँगी। तो बाकी अभी हमने ना चुन्नी नहीं उड़ाई है क्योंकि चुन्नी और माला धूप में सूख रही हैं, तो अभी जब सूख जाएंगे उसके बाद मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और आजकल मेरा रोज़ सूर्याली वाला टीका लगता है, कल वहाँ वाली मम्मी ने भी लगाया था और आज यहाँ वाली मम्मी ने भी नाक से ही पीठा लगाया है, और भी इससे नीचे से लगाते हैं गाँव से, तो यहाँ से टीका लगता है। तो गाइस आज मैं रेडी हो गई हूँ इस वाले झोगले के साथ। ये सूट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन मम्मी इसको झोगला बोलती है बैंड वालों जैसा, तो लेकिन मुझे बहुत पसंद है ना, पुराना है लेकिन अच्छा लगता है, 3-4 बार ही पहना है और 3-4 साल पुराना है लेकिन अभी भी अच्छा है, पीछे मिरर में भी दिख रहा है पूरा ये। और इसका धोती पजामा है जो कि दिख नहीं पा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मेरे को ना प्लांटेशन करना है आज, यहाँ पे गमले लगाने हैं पूरे में, और उसमें मनी प्लांट और छोटे छोटे जो क्यूट क्यूट से फ्लावर होते हैं ना वो लगाने हैं। तो पहले हम मॉल जाएंगे, और उसके बाद जो कल मेरा सूट आया था टेलर ने उसका दुपट्टा नहीं दिया, तो उसका दुपट्टा भी लेके आना है मेरे को, और दो नए सूट भी सिलवाने हैं। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ मार्केट और देखते हैं कि क्या क्या लेके आती हूँ, और नवरात्र हैं तो अब नए नए सूट पहनने हैं, तो नए नए कपड़े चाहिए। और वैसे मेरी अलमारी खुल गई है, वहाँ की बहुत सारे सूट आ गए हैं लेकिन बहुत सारे उनमें से मेरे को पसंद नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे पीसेस भी थे जो मैंने सिलवाए नहीं थे, तो अब मैं उनको एक एक करके सिलवाती हूँ, और 9 दिन तक मैं अलग अलग कपड़े पहनूंगी क्योंकि नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि में तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना, लाल पीले माता रानी की पसंद के। तो अभी तो मैं पहुंची गमले लेने के लिए, लेकिन ये बहुत ही बड़े साइज के गमले हैं, ये भी तो बहुत बड़ा है, हमें तो छोटे छोटे चाहिए ना विंडो के लिए, विंडो में प्लांटेशन के लिए, नहीं है कहीं भी नहीं है छोटे वाले गमले, सारे बड़े ही हैं। देखते हैं कोई गमले की शॉप मिलती है तो वहां पे। तो दोस्तों फाइनली हमें एक शॉप मिल गई है जहाँ बहुत सारे पॉट हैं, और इतने क्यूट क्यूट हैं ना, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो इसमें से मेरे को 2-4 पसंद आए हैं, वैसे पसंद तो सारे आए हैं, वैसे सारे ही पसंद आए हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे भी चाहिए विंडो के लिए। तो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये, एक ये कछुए की शेप का, और एक ये, एक ये, और देखते हैं एक दो कि कौन से अच्छे लगते हैं, वैसे सबसे प्यारा तो यही लग रहा है। ये वाला तो कछुआ नहीं है, मेंढक है, लेकिन ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, कछुए हैं इधर ये वाले, ये अब हम इसमें से एक कछुआ लेंगे, कछुआ तो वैसे भी अच्छा होता है घर के लिए, तो ठीक है कछुआ लेते हैं, एक मेंढक भी ले लेते हैं। और ना यहाँ पे ये भैया ना जैसे इसमें नेम से भी बनाते हैं, जैसे ये बना रखा है, कस्टमाइज कर सकते हैं इसको ऐसे, ये फ्रंट पे चल रहा है कोई भी, लेकिन ये नाम लिखा है इनने ईटी मेडिकल स्टोर, तो मैं भी बनाती हूँ सोल्जर लक्ष्मी के नाम से हमारे चैनल से, ठीक है भैया आप नाम लिख लो। ये यहाँ पे भड़कटिया में है, हमारे स्टोर का नाम है लीफ एंड लूप, आप इंस्टाग्राम में भी चेक कर सकते हैं इसको, और ये लोग होम डिलीवरी भी देते हैं विद प्लांट, है ना, विद प्लांट्स, विद प्लांट्स होम डिलीवरी हो जाती है। कितना बढ़िया है ना स्टोर, काम की चीज है, हम कहाँ कहाँ घूम के आ गए, मॉल गए, लेकिन क्या पता भैया मेरी वीडियो से कोई कस्टमर पहुंच जाए आपके पास। कल तो मैंने आपके लिए डिस्काउंट कर दिए, बट साइज लो मत करना, अदरवाइज क्योंकि हम किसी से 250 तो ये रहता है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं, लेकिन सबके प्राइजेस अलग अलग हैं। और ये यहाँ पे भैया ने प्लांटेशन किया है, जिसमें से एक मनी प्लांट मैंने ले लिया, और एक ये चाइनीज मनी प्लांट है, इसको भी मैं ले रही हूँ, और भी इनके पास ना घर में बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, वहाँ हम कल चलेंगे, इनने अपने घर में पूरे प्लांट किया हुआ है जो कि सेल के लिए है, तो कल देखते हैं क्या क्या है। और ये तो पूरा घर जैसा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे आ चुकी है पूरी पेटी जिसमें हम ये पैक करके लाए थे पॉड्स, और हम ना मैं सोच रही हूँ इनको वहाँ पे उस विंडो के पास लगाती हूँ, लेकिन वहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ की टेबल वहाँ पहुँचानी है, और इसकी सेटिंग फिर से ठीक करनी होगी क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है,
तो देखते हैं कैसे सेट होता है और दिखाती हूँ आपको कि हम यहाँ पे कैसे प्लांटेशन करते हैं। तो ना यहाँ पे ना जो हम ये पॉट लगाएंगे इसके लिए मिट्टी भी तैयार करनी है। तो वो भैया से मैं पूछ के आई थी, उन्हें बोला था रेत ज़्यादा डालना, मिट्टी कम डालना, कोयला, हल्दी और थोड़ा सा नमक डालना जिससे कि कीड़ा ना लगे। अब यहाँ पे कोयला तो है नहीं और रेत हम उधर से ढूंढ के लेके आए हैं। तो अब मैं इसके लिए बनाती हूँ ये क्यूट क्यूट से गमले। इसमें मैं लगाऊंगी मनी प्लांट और इस वाले में लगेगा वो चाइनीज पौधा जो कि भैया ने ही दे रखा है। ये दे रखा है उनने, ये चाइनीज पौधा है, ये बहुत अच्छा लगता है जब बढ़ता है। तो अभी फ़िलहाल इसके लिए मिट्टी तैयार करते हैं और थोड़ी तो इसमें है भी, भैया ने बहुत ही अच्छी रेत और पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, तो इसको भी मिक्स कर सकते हैं हम। भैया उन्होंने बोला था ना थोड़े से नमक और हल्दी भी डालना, तो थोड़ा सा नमक और हल्दी, एंटी बैक्टीरिया बन गया अभी। और एक ये है चाइनीज पौधा, तो इसको हम इसमें से निकाल देते हैं जो कि भैया ने दिया था। और ये मिट्टी हमने बनाई हुई है, हाँ इसमें तो कैचुए भी हैं। हाँ ये मेरे को घीन आ रही है अब। एक यहाँ पे ना गोबर भी है और ये गोबर के कट्टों में ना ये हजारी के फूल हो रखे हैं। बाप रे, धुआं निकालनी हो रखी है, ये तो कभी सूखेंगे भी नहीं शायद, क्योंकि ये गोबर के कट्टों में ही उग रखे हैं। तो मेरे को ऐसी डालनी पड़ेगी चूरिया चूरिया के। आज नवरात्रि में मैंने अच्छा काम किया, पेड़ तो नहीं लगाए पर पौधे ही सही। तो ये हमारे दो फूल तैयार हैं, अभी फिलहाल हम इनको अंदर रखते हैं पानी डाल के। और बाकी तो ये यहाँ पे ये प्यारे प्यारे पौधे मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ खिड़की से ना यहाँ पे मतलब धूप तो नहीं आती है लेकिन हवा आएगी और क्या पता थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए। तो और हमें इसको स्प्रे से पानी देना है, उन्होंने बोला था कि वैसे मत डालना तेज़ धार से। तो ये गुलाब जल की बोतल है। तो आज हमारा फास्ट, इसलिए आज हम जल्दी खाना बना रहे हैं जिसमें बन रही है मिक्स वेज। ये पनीर, टमाटर और मिर्च काट के रखी है, ये है शिमला मिर्च और यहाँ पे हो रहा है आलू फ्राई। आज प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज भी डाला है। वैसे बहुत सारी जगह तो रात में खाना ही नहीं खाते हैं लेकिन उत्तराखंड में हम लोग तो खाते ही हैं रात में खाना। और पूरी नवरात्रि भी नहीं है, आज का पहला व्रत है तो यहाँ पे खाना बन रहा है। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है क्योंकि इसमें बनेगी खीर, मंदिर में भोग लगा के उसके बाद हम खाना खाएँगे। फिर